नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली, मैं रीना आपका स्वागत करती हूँ अपने रीना रेसिपी में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो आज देखिए हम बनाने जा रहे हैं सहजन की बहुत ही मज़ेदार सब्जी। तो देखिए यहाँ मैंने एक और सहजन ले लिया है जो वज़न में 250 ग्राम होता है। तो यहाँ मैंने देखिए ये सहजन को कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद ये मोटा सहजन है, तो इसी तरह छोटा छोटा कट लगा करके इसको हम छील लेंगे। तो इसी तरह से आप लोग भी इसको छील लीजिएगा। मोटा जो सहजन रहता है उसको इसी तरह से छील करके निकालना पड़ता है। और ये देखिए फिर उसके बाद मैंने ले लिया है इसमें पतला पतला जो सहजन है, तो उसको इसी तरह हमको काट लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे सहजन को कट करके ले लिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसी तरह आप लोग भी कट कर लीजिएगा। इधर साइड में उसका जो छिलका है वो निकाल गया है। तो इसी तरह हम सहजन को काट के छिलके ले लेंगे और फिर उसको हम दो पानी धो लेंगे। फिर इधर एक गिलास पानी ले लेंगे। एक बर्तन में हम जो सहजन लिए हैं उसमें नमक और हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाल करके इसको ढक के हम रख देंगे 5 मिनट रेस्ट करने के लिए। तो इसको रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे हमने ले लिया है 2 प्याज, 1 टमाटर और 1 लहसुन का पोट है पूरा, और यहाँ हमने 5 मिर्च ले लिए है। तो यहाँ पे ये लहसुन जो है इसको हमको क्या करना है कि छील लेना है और प्याज को भी छील लेना है। तो यहाँ पे सभी सब्जियों को मैंने छील करके धो करके अच्छे से ले लिया है। और प्याज देखिए इसी तरह से बारीक काटना है जैसे मैं काट रही हूँ, तो इसी तरह आप लोग भी प्याज को बारीक काट लीजिएगा। अगर इसे भी अगर बारीक काटना है तो उस तरह भी काट लीजिएगा। तो इसी तरह से आप लोग भी काटिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी आप लोगों को तो एक बार ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो फ्रेंड देखिए मैंने यहाँ पे सारे प्याज को इसी तरह बारीक काट लिया है। तो उसके बाद चलिए देखते हैं आगे हमको क्या करना है। तो चलिए देखते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज का आलू लिया था, उसको छील करके काट लिया है पतला पतला और उसको धो लिया है। धो करके मैंने ले लिया है। तो फिर आगे देखिए क्या करना है। ये जो सहजन हम डाले थे पानी में, तो 5 मिनट हो गया है। तो 5 मिनट होने के बाद इसको हमको इसी तरह से देखिए हाथ से ऐसे मिला लिया है। मिलाने के बाद सारे सहजन को हम एक बर्तन में निकाल लेंगे इसी तरीके से, जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ उसी तरह से आप लोग भी सारे हल्दी वाले पानी में से इसको निकाल लीजिएगा। और निकालने के बाद इसको फ्रेंड आप लोग एक पानी से इसको धुल दीजिएगा। एक बार पानी से धुल देंगे अच्छे से इसी तरह से। देखिए मैंने सारे जो सहजन है उसको निकाल लिया है। और इधर देखिए कढ़ाई हम गैस पे चढ़ा दिए हैं, तो कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। तो यहाँ हम 4 चम्मच तेल डाल देंगे। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पचफोरन। तो पचफोरन हम डाल देंगे तो थोड़ा सा जब चटक जाएगा हमारा पचफोरन, मेथी थोड़ा सा टाइम लगता है पकते में, तो पक जाएगा। फिर उसके बाद हम जो प्याज काटे हैं वो तो उसको हम डाल देंगे। और प्याज को डालने के बाद इसको थोड़ा सा हमको भून लेना है। तो इसी तरह से जैसे मैं भून रही हूँ देखिए, तो इसी तरह से हमको थोड़ी देर भूनना है प्याज को। तो इस तरह आप भी प्याज को अलग अलग कर लीजिएगा। तो इस तरह प्याज को करने के बाद थोड़ी देर देखिए भून गया, तो फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे सहजन। तो सहजन को हम डाल करके इसको अच्छे से मिला लेंगे। तो देखिए फ्रेंड आप लोग भी इसी तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो जैसे मैं बना रही हूँ एक बार आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। ये बहुत ही अच्छी बन के तैयार होती है सहजन की सब्ज़ी। तो इसी तरह से देखिए हम मिला लिए और इसको हम ऐसे ही पकाएंगे। इसको ढक कर के नहीं पकाना है। तो थोड़ी देर हमारा पक गया है सहजन, कम से कम 5 मिनट हम पकाए हैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो जब हमारा सहजन पक जाएगा फिर उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे। आलू आपके ऊपर है, अगर आप आलू खाना चाहते हैं तो डालिए, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिए। तो आलू डालने के बाद इसको हम मिला लेंगे अच्छे से, फिर उसको हम ढक देंगे। और ढकने के बाद हम इसको थोड़ी थोड़ी देर पर देखिए इसी तरह चला लेंगे। तो आप फ्रेंड इसको चलाते हुए ऐसे पकाएंगे थोड़ी थोड़ी देर पे इसको ढक करके, तो आलू हमारा जो है अच्छे से पक जाएगा। तो इसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच नमक। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग नमक डालिएगा, जितना भी आपको नमक पसंद है। तो इसमें जितना हम सब्जी लिए उसके अनुसार 1 चम्मच नमक जो है हमारा परफेक्ट है। तो यहाँ देखिए हम सब्जी को भून लिए हैं। तो इसी तरह आप भी सब्जी को भूनते रहिएगा। तो आगे देखिए क्या कर लेना है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड हम ले लिए हैं कुछ मसाले। तो यहाँ हमने ले लिया है जीरा, 1 चम्मच जीरा है। मरीच है हमारा 1/2 चम्मच है। सरसों ले लिए 1 चम्मच। कड़ा धनिया है 2 चम्मच। 2 लाल मिर्च है। 5 हरी मिर्च है।
एक कोट लहसुन का ले लिए हैं। तो इन सभी मसालों को हमको पीस लेना है। तो फ्रेंड मसाला पीस गया है हमारा। फिर उसके बाद देखिए इधर सब्जी भी हमारा जो है भुन गया है। तो ढक्कन हटा करके इसको फिर हम चला लेते हैं। तो देखिए ये हमारा आलू जो है ये भी थोड़ा सा हो गया है। तो जब आलू थोड़ा सा हो जाएगा पक जाएगा फिर उसके बाद इसमें हम जो मसाला पीस के तैयार किए हैं उस मसाले को हमको इसमें डाल देना है। तो देखिए फ्रेंड मैंने यहाँ मसाले को डाल दिया है। और फिर उसके बाद हम डालेंगे हल्दी। हल्दी हम डालेंगे एक चम्मच छोटे वाले चम्मच से। फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर थोड़ा बड़ा बड़ा टुकड़ा ही काट के डालिएगा जैसे मैंने डाला है। और इन सबको हमको मिला लेना है इसी तरह से जैसे मैं मिला रही हूँ, तो ताकि मसाला जो है सारे सब्जी में अच्छे से मिल जाए। इसी तरह से आपको भी मिलाना है। मिला करके इसको अच्छे से पकाना है जब तक मसाला जो है कढ़ाई ना छोड़ दे। उस तरह हमको इसको मसाले को भूनना है। थोड़ी थोड़ी देर पे इसको हमको चलाते रहना है। तो यहाँ फ्रेंड हम इसको ढक के पकाएंगे। ढक के पकाने से ये होता है कि इसका टेस्ट जो है इसी तरह बना रहता है और ये जो है अच्छा लगता है। तो देखिए हम ढक्कन हटा दिए फिर इसको हम चला लेंगे। तो इसी तरह फ्रेंड हमको चलाते रहना है और इसको ढक करके इसको पकाते रहना है। तो ये जो है आपको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसको सब्जी को बनाना है। तेज आंच बिल्कुल भी नहीं करिएगा। तो इसी तरह से हमको इसको सब्जी को थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहना है। आलू डालने की वजह से इसको हमको ढक के थोड़ा पकाना पड़ रहा है। तो देखिए हमारा जो है यहाँ पे मसाला इसी तरह से भुन गया है। तो भुनने के बाद देख रहे हैं कितना अच्छा सब्जी हमारा जो है बन गया है। तो इसमें हम अभी थोड़ा सा और भुनने के बाद इसमें पानी डालेंगे। आप चाहें तो इसको इसी तरह खा सकते हैं बिना पानी का। ये सब्जी हमारा जो है एकदम बन के तैयार हो गया है। तो आपको अगर हमारी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। राइट, तो इस तरह से अगर आप लोग सब्जी बनाएंगे तो बच्चे जो हैं या बड़े हैं मांग मांग के ये सब्जी खाएंगे। इतनी अच्छी ये सब्जी जो है बन करके तैयार होती है। अगर आप लोग बाजार से ले आते हैं सहजन तो वो सहजन जो है एकदम ताज़ी होनी चाहिए, हरी होनी चाहिए। देख करके आप लोग ले आइएगा। तो सूखी सहजन नहीं ले आइएगा क्योंकि उसकी सब्जी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी। और ज़्यादा मोटा सहजन का भी सब्जी जो है नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इसमें हम पानी डाल दिए मसाला भुनने के बाद, आधा गिलास पानी डाले हैं। आप चाहें तो इसमें और डाल सकते हैं। तो फिर इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और हरा धनिया डालने के बाद इसको हम ढक देंगे। ढकने के बाद हम इसको 2-3 मिनट पकने देंगे। तो देखिए हमारी सब्जी जो है बनके कितनी अच्छी तैयार हुई है। तो हम मैंने यहाँ पे सूखी सब्जी बनाई है। आप चाहें तो रसे वाली भी बना सकते हैं। तो आप लोग खाइए पीजिए और इंजॉय करिए। बाय बाय।